स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग मकैनिकल एंड मशीन सेफ गार्डिंग इलेक्ट्रिकल अलेक्ट्रिकल में हम लोगों ने यह डिफाइन करना है कि वो हैजर्ड्स जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पेश आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में उनको इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कहते हैं नो विल सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ हैजर्ड डिफाइन एज इलेक्ट्रिसिटी is the flow of negatively charged particles called electrons through an electricity conductive material electrons orbit the nucleus of an atom which is located approximately in the atom's center here protons neutron nucleus for the remaining aspect here electron orbits move now the negative charge of the electron is न्यूट्रलाइज बाई पार्टिकल कार्ड न्यूट्रॉन्स विच एक्ट एज ट्रेरी एनर्जी रिपोजिटरीज़ फॉर द इंटरसप्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कार्ड प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ये टेक्निकल टर्मोनोलॉजीज जिसमें यूज़ हुई है डी ए स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम बच्चों को टीच करते हैं लेकिन इसकी जो समरी है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल हैज बोलते हैं Here, वी फर्दर डिफाइन एस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्रीड फ्राम एन एटम आर डायरेक्टेड बाई एक्सटर्नल फोर्स टू ट्रेवल इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल करंट आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी मूवमेंट की वजह से जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो गए इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होगी उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जिसकी मदद से मुख्तफ किस्म की प्रोडक्ट्स को आगे चलाया जाता है ऑपरेट किया जाता है यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल करंट पासिंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी काजज़ आर शॉक अगर वही इलेक्ट्रिसिटी इंसानी बॉडी में से गुजारी जाए तो एक शॉक उसको लगता है जिसकी वजह से चांसिस ही मे बी एक्सपायर्ड इसलिए वन एवर यू विल यूज़ द इलेक्ट्रिसिकल प्रोडक्ट्स को हाथ लगाना है टच करना है यूज़ करना है ऑपरेट करना है तो आपके प्रॉपर जो प्रॉपर प्रोडक्टिव इक्विपमेंट जो आपके टूल्स हैं या जो ग्लव्स हैं उनको प्रॉपर पहन के उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ अल्कट इज़ मजर बाय वोल्टेज अ शॉर्ट सल्कट इज़ अ अल्कट इन विच द लोड हैज़ बिन रिमूवड आ बाईपासड ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है एक न्यूट्रॉन है एक उसमें लोड है एक बाईपास है अब इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ में हमने लर्न क्या किया है डियर स्टूडेंट्स हमने इसमें लर्न ये किया है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है वो इलेक्ट्रिकल हैज़ट्स है लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड से बचने के लिए आपने एस ओ पी फॉलो करने हैं नंबर वन नंबर टू इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ जब आपने करना है तो उसके लिए प्रॉपर जो प्रोडक्टिव प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वियर करना है यूज़ करना है पहनना है उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को आपने यूज़ करना है या उनको टच करना है जब आप इनको फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे